जिला अलवर में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके गायक शिव सिंह शोरावली, ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई धर्मवीर जेंगारा चहरसा, पेड़ पर संगति कर रहे हैं वीरेंद्र भाई रोनीजा से, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास डीजे साउंड, ऑपरेटरी कर रहे हैं भाई अशोक मुड़िया से, संचालक कर रहे हैं मंच का श्रीमान बद्री जी पीटीआई जी मार साहब। लीजिए आपके गांव बराड़ा में जिक्री भजनों का प्रोग्राम। श्री राधे भैया धर्मवीर, ज्यादा समय ना लेते हुए मां साहब ने पहले कह दिया, और आइए चलते हैं। कैसे भैया? कभी ने लिख दिया चार लाइनों में, कैसे मां साहब? करियो को आइए। एक समय माँ जानकी के पास में हनुमान जी बैठे हुए, और हनुमान जी को पास में बुलाया माँ जानकी ने, कहा ए तात हनुमान, हनुमान के लिए एक सुंदर सा मणियों का हार दे दिया हनुमान जी। उस माला को एक एक मोती को निकाल कर फेंक देते हैं। माँ जानकी ने कहा ए तात हनुमान, मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर मणियों का हार दिया, और आपने एक एक मोती को निकाल के फेंक दिया, क्या कारण है? हनुमान कहता है माँ सुनना चाहती हूँ कारण? हाँ तो लीजिए सुनिए। कैसे भैया? अरे पटेल बालक ने ले जा भैया, पापा ही पापा के लाए रही। अच्छा या के ना का और के चक्कड़ी परी को दी से क्या लिखा गुरुदेव? मां सुनिए क्या कह रहे हैं हनुमान जी। ना चाहिए हीरा मोती, मां सुनो जानकी मां, मणियों की माला मेरे और काम की नहीं है, और माँ इसमें छवि मेरे राम की नहीं है, इसमें छवि मेरे राम की नहीं है। ओ, 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 छवि मेरे
सुनिए, देना है मुझको सज्जनों, ध्यान को वही लगा दी। दुर्योधन ने कर्ण के लिए बता दिया कि भैया मैं जिसके वैसे पैरा दे रहा हूं वो है राजा वासिक का लड़का फूल कुमार, जो रात के 12 बजे महलों के अंदर आता है, मुझसे लड़ने की कोशिश करता हूं लेकिन ताकत में ज्यादा पड़ता है। कर्ण ने कहा ये मिजाल फूल कुमार की हमारे होते हुए हस्तनापुर के अंदर प्रवेश कर जाए कदापि नहीं हो सकता। और आज दुर्योधन को पास में बिठा लिया और पहरे पर बैठ जाता है करण। और जैसे ही रात के 12 बजते वही फूल कुमार भानुमति से मिलने के लिए भानुमति के महलों की तरफ चल देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज पहरा दुर्योधन नहीं, पहरा दे रहा है करण। और जैसे ही फूल कुमार भानुमति के महलों की तरफ चलता है तो भैया कर्ण क्या जवाब दे रहा है, कैसे बस साहब रे निकलो तू बता करो तू बता और कारी कही और ललकार करन युरे बिना और बिना खोपके कैसे जा रहा बूंद के छुपाओ छुप ना सकेगा
बात में बतकड़ बन गए, रार बड़ी मां भारी है। और लड़न भय तैयार दो आपस में देरे भारी है। कह कुमर कहे तू याद करेगो, कुमर कहे तू याद करेगो, अरे करण का उपरो वीर के पाले और आज तो परे जान के पाले। ए करण तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि भानवती से अवश्य मिलके आऊंगा। और वही फूल कुमार मनुष्य योनि से नाग योनि में आता है। और भैया क्या कह रहा है करण से, कैसे मसाब? हेर रूप कियो बिकरा और नागने और नागनी लियो लपेटा है। करण को सावधान कर दिया भैया, और नागने और लियो लपेटा है। अरे सूरज को बेटा है, यो, 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 करण ने जोर लगायो है रे, करण ने जोर लगायो है, यो छोरा लगायो है, यो जलेलियो आधारा उठाए नागयन फेंक चलायो है। करण ने मौका पाया और उस फूल कुमार को उठा करके आकाश की तरफ फेंक दिया। वारे करण धर्मवीर भैया, अरे निशानो पक्को साथ लियो रे, निशानो पक्को साथ लियो। और ये एक क्या मन रुपए का पुरस्कार श्रीमान मुरत भजी हमारे लिए देते, बार बार धन्यवाद भैया। अरे निशानो पक्को साथ लियो रे, निशानो पक्को साथ लियो, चले लियो बताओ। समझ में आ रही है कि नारे कथा कथाई गांगो भी फालतू को सोता नहीं गांगो। और ना तुम ते में पैसान की अब कहूं ना जब कहूं। मास्टर जी वाह, अरे निशानो पक्को साथ लियो रे, निशानो पक्को साथ लियो, धर्मधर्मा साहब। और ये एक से एक रुपए का पुरस्कार श्रीमान दीनदयाल डायरेक्टर साहब सौंप वाले हमारे लिए देते, बार बार धन्यवाद। निशानो पक्को साथ दलियो, निशानो पक्को साथ दलियो, दुर्योधन को भान करके भानवती के पास जाता था। और आज दुर्योधन से कह दिया, भैया दुर्योधन ये आपकी इच्छा है, आप इसे खत्म करो या जीवित छोड़ दो। आहा सज्जनों, जैसे ही दुर्योधन ने फूल कुमार को बंदी बनते हुए देखा,
एकदम गदा का प्रहार किया, लेकिन सारी बात को देख रही है भानुवती। और भानुवती कहती है, भानुवती कहे सुनो जेठ जी, भानुवती कहे सुनो जेठ जी, बात कहूं मैं दिल की है, और ये फूल कुमार को देख नार फिर रो गई देखी के जोरू हाथ परू त्यार पहिया मानू एहसान तुम्हारो और मत या जानते मारो। जैसे दुर्योधन ने गदा का प्रहार किया, कहा पतिदेव इस फूल कुमार को हाथ ही मत लगा देना। दुर्योधन ने कहा, ए भानुवती तू पत्नी मेरी और सिफारिश इस नालायक की ले रही है, क्या लगता है तेरा ये? तो आज भानुवती अपने पति के लिए बता रही है लंगड़े ढोला में, मां साहब लंगड़े ढोला बोलंगो गाना तो दुनिया गावे और गाय लेंगे, लेकिन सुनिए लंगड़े ढोला में भानुवती क्या बता रही भैया जी। कैसे भैया? अरे श्रीमान सिंह वाले हमारे देते हैं बार बार धन्यवाद। और क्या कहा,